जी चोय साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। नहीं कोई गल नहीं, मेरी गड़ी पैदल आवरी हुई है, गड़ी में गए थे आ गए। सही। अच्छा चोय साहब, लोड शेडिंग से तो आवाम का बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल ये जनाब, साढ़े मोहल्ले च कड़ा लुड़ियां पांड है, बत्ती उंजी मशकूक लगन लग पई। सारा दिन लोग यही कहते रहते ने, आ गई जे चली गई जे, आ गई जे चली गई जे। चलो आपकी तरफ भी लाइट जाती है। असि बैंकाक च रहने, साढ़े भी जाती है। जनरेटर वनरेटर लगाए होंगे फिर तो आपने। लगे है मगर बत्ती तो जाती है ना जी, जनरेटर के नाल खप बड़ी पाता है। सान कर चंगे भले घर च रहन डे, जनरेटर चले तो लगते फैक्ट्री च रिहायश रख लिया। अच्छा जैसे नवाज शरीफ ने ऐलान किया है कि वो लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरों में आवाम के साथ खुद शामिल हो जाएंगे। फर्क पैना है उ डांगा चलनिया ने, भरा वजीर आला है, ओनू तो आप पुलिस वाले टायर फड़ा गए, लो जी साड़ो टायर तुम बत्ती नहीं ला दो सड़क से अं आप रखा होंगे। मुजहरा तो होंगे जिथे डांगा चलन डिया होंगे, ये नहीं सुनते किसी की भी, थोड़ा गुलबंडे है परवेज लाई। अच्छा जैसा परवेज रशीद ने कहा है कि परवेज लाई महज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मगरमच्छ के आंसू कितों ने वेख लेने, उधर रेंदे ही पानी च, उधर भी जे मिक्स हो जाने उन्हें कितों वेख लेने। ये परवेज रशीद कोलों गल्ला मनांदा है या फिर लुक लुक के मगरमच्छ नूं मिलदा है, दुख सुख बोलता ही होना ना वो। बरतानिया में आपके परस्तारों की बहुत बड़ी तादाद है, वहां पे आप इलेक्शन में किसकी हिमायत कर रहे हैं? परवेज लाई तो खड़े ही नहीं किधे, वो आ रहे खलोता रहिंदा जैसा। मैं तो लंदन की बात कर रहा हूँ। उसका भी 10 साल का वीजा लग गया, जो मर्जी टुट जाए। परवेज लाई को लंदन भूले। अच्छा जैसे मुबारक हो, पाकिस्तान T20 में सुपर 8 मरहले में पहुंच गया है। मैनू कहती मुबारक, मेरा नाम शजात भट्ट है, उन्होंने एजाज भट्ट को मुबारक दियो। लेकिन टीम तो पाकिस्तान की है ना चौधरी साहब, इस तरह जिस तरह खेल दी है कड़ी मुबारक करी गल। कैसे खेल रही है, खेल के पहुंची है? मैं दिल छड़े हैं ना सारे ने, क्रिकेटर हो रहे ही नहीं, क्या जिस तरह चौरी नहीं ना हो रहे, क्रिकेटर भी नहीं हो रहे। चौधरी साहब आप मैच देखते हैं टीवी पर? मैं नहीं बंदा सुबह की ड्यूटी लाई है दिन तक ही बने आ रहे हैं। चौधरी साहब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी जब पाकिस्तान आ रहा है उस पर तो आपको अफसोस हुआ होगा? बहुत गुस्सा चढ़े मैंने। ओए होए, फिर बाद फिर मैं सूफी नु पाले लमे मैं हर वारी हार जाते ने, तू वेना क्यों है ना? सब सूफी का इसमें बेचारे का क्या कसूर है? उन्होंने कहा था जोग जड़े होंगे जैसे हार, इतना टाइम वेस्ट करना, बंदा फोन करके पूछ ले वे हार गए हो भाई, और ये हार गए चलो गल मुक गई। चौधरी सर आपको शायरी पसंद है? शायरी पसंद है। हम आपको शेर सुनाए? सुनाओ जी सुनाओ जी। ना नहीं चौधरी सर मैं सुनाऊं? मैं अरे सुना दियो, मेरा कड़ा गप्पा कन बंद है। बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं। बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं। अब की बार सोचा है आदतें बदल डालें, फिर ख्याल आया कि आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकती। खूबसूरत। अच्छा जी, ये किसका शेर है? आप ये किसका शेर है? महकमा मौसमी आदत। शायरी बारिशों बारिशों कदम कदम। चौधरी साहब मैंने दाद लेने के लिए शेर सुनाया था। अच्छा वाह 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 वाह, वो भी नाल जड़ा कहंदे ने मुकर्रर भी। चौधरी साहब और शेर सुनाऊं आपको? बंद करो ने कि सुन लिया वो छड़ दे हुण। मेरी शक्ल दौलत कासम ने मिलती है। जैसे आपने जिंदगी में कभी शेर कहे? अरे मैं नहीं शेर जरूर कहता, मैं जो कहना मुंह से कहना। शायरी अच्छी नहीं लगती। अच्छा एवं भी पंजी जने मोमबत्ती बाल के मुशायरा करन बैठ जाते,
ਲੱਗਦਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਪੈਕ ਕਰਨ ਡਏ। अच्छा जो सर, छोड़े इन सारी बातों को, आप ये बताएं कि मुशर्रफ दौर में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें सारे लोग ये कहते थे कि मुशर्रफ आपको इलेक्शन जितवाएगा, लेकिन जीत नून लीग और पीपल्स पार्टी गई। फिर झाड़ियाँ बदवा लंदन भी तो डुर गए ना, वो तो गजल होने। वैसे जो सर, आप भी बहुत पुरुमीद थे उस वक्त। अरे हमें भी यही यकीन था कि हम ही जीतेंगे। वो की शेर किसी ने किया है, कोई कह के निकल गया, मैनू पता नहीं कि निकल गया। यार ये मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, ये न थी हमारी किस्मत के वसाले यार होता। जो साहब, आपने दो अलहदा अलहदा शेरों के मिसरे इकट्ठे कर दिए। अभी तो शुरू तो कहने मुस्लिम लीग एक हो जाए। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज। नवाज़ी मंजे में सारी मुस्लिम लीग दे मिसरे इकट्ठे कर लूं।